इस अन्यायी लक्ष्मण ने तुम्हारे तपस्या रत निहत्थे निर्दोष पुत्र शंभू का वध मात्र इसलिए कर दिया है कि कहीं वो सूर्यहास खड़क प्राप्त करके विश्व का सर्वशक्तिशाली योद्धा न बन जाए। अब अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने का मात्र एक ही उपाय है, लक्ष्मण और रावण का परस्पर युद्ध। तुम्हारे दोनों शत्रुओं में से एक का विनाश तो निश्चित है ही, संभवतः दोनों का ही हो जाए। अरे भिक्षुओं, कौन हो तुम? देवी, हम अयोध्या के क्षत्रिय राजकुमार हैं और यहाँ अपना वनवास काल व्यतीत कर रहे हैं। तुम्हारा रंग रूप देखकर मैं तुम पर आसक्त हो गई हूँ। बोलो सन्यासी, क्या तुम्हें मेरा गंधर्व विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है? नहीं भद्रे, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। ये देखो, मेरी पत्नी मेरे साथ है। परंतु तुम तो अभी अविवाहित हो, तुम ही मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। नहीं देवी, मैं भी विवाहित हूँ, इसलिए तुम्हारा निवेदन स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा तुमसे निवेदन है कि यथाशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करें। ये रमणी रास्ते का कंटक, इसको तो पहले हटाऊं मैं विधवा हूँ हे वनवासी, तुझको भी विदुर बनाऊं मैं। ये इस तरह नहीं मानेगी। यदि आप आदेश करें तो एक पल में मैं इसका संहार कर दूं। नहीं अनुज, ये अनुचित है। यदि मेरा परामर्श मानो, इसके अंग भंग करके इसको कुरूप बना दो, जिससे ये फिर कभी ऐसी असभ्य याचना ना कर सके। जो आज्ञा भाता है। अभी तो मैं जाती हूँ, परंतु